दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम जल संसाधन क्लास 12th के बारे में बात करेंगे। देखिए, जल एक चक्रीय संसाधन है तथा पृथ्वी के धरातल पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण से जल पृथ्वी को एक हम नीला ग्रह है अर्थात जलीय ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के धरातल के 71% भाग पर जल का विस्तार है तथा 29% भाग पर स्थल का विस्तार है। फिर भी आप देखते हैं कि जल की समस्या यहाँ पर गंभीर होती है। कारण क्या है उसको हम थोड़ा सा डेटा बताएं कि आपका जो 71% जल है, इसका 97% जल है वो हमारा कैसा है? लवणीय जल है, सेलेनाइट वाटर है, तथा 3% जल ही हमारा कैसा है? अलवणीय जल है। अब देखेंगे अलवणीय जल इतना है फिर भी हमारे पास पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन उसका कारण है कि इसका 70% जल है वो हमारा बर्फ के रूप में पाया जाता है। और बर्फ के रूप में कहाँ है? ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है, आपका उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र, चाहे हिमालय हो, चाहे आपके और कोई पर्वत, रॉकी एंडीज, कोई सा भी आपका एल्ब्रुस, कोई सा भी पर्वत हो, उनके बर्फ के रूप में है। मात्र 30% जल ही अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है, भूमिगत जल के रूप में है। दूसरी तरफ आप देखिएगा बहुत कम जल। यही कारण है कि इतना हमारे पास जो उपयोग योग्य जल है, इसी कारण से 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। दूसरी तरफ देखेंगे, इनका कहा जल है, पृथ्वी पर है, ऑक्सीजन के बाद में है दूसरी बड़ी आवश्यकता है। यदि जल नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा, क्योंकि आपको चाहे उत्पादन करना हो, चाहे उद्योग लगाने हो, हमें खुद को पीने के लिए है जल की आवश्यकता है, वो आपकी अधिक होती है। दूसरा हम देखते हैं कि भारत में जल संबंधी स्थिति को देख लेते हैं। भारत में विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% भाग पाया जाता है तथा यहां पर विश्व का जल का 4% है, लेकिन विश्व की जनसंख्या का 17.5% है वो भारत में पाई जाती है जनसंख्या। तो बताइए एम्बेलेंस है या नहीं है, असंतुलन है या नहीं है। दूसरी तरफ और है आपका कि जो ये जल है, हम प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मामले में है विश्व में 133वां स्थान है। एक चीज और है, सुरक्षित जल क्या है? देखिए, सुरक्षित जल वो है जो हमारे लिए है या आपका जो वातावरण या अपने आसपास है वो उपलब्ध हो, अर्थात वह जल जो संदूषण से मुक्त हो, परिसर में जो हमारा आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ उपलब्ध हो, और जब जरूरत पड़े तो हम उसको उपयोग करने के लायक हो, वो क्या कहलाता है? हमारा आपका सुरक्षित जल कहलाता है। अब दूसरी चीज हम चलते हैं कि भारत में जो वर्ष भर वर्षा होती है, उस वर्ष भर वर्षा से कुल जो जल की मात्रा प्राप्त होती है 4000 घन किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर, और इस जल का अगर हम बात करें तो इसमें 1869 1869 घन किलोमीटर जल ही हमारे लिए है, वो आपका पुनर्पूर्ति योग या धरातली जल के रूप में उपयोग है। इसमें से 1869 घन किलोमीटर जल है पुनः पूर्ति योग्य व धरातली जल के रूप में, और इस जल में से जो उपयोग करने योग्य है उसका 60% अर्थात 1122 घन किलोमीटर जल। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि स्थिति हमारे यहाँ पर विकराल है वो क्यों है। दूसरी तरफ आता है कि जो ये जल है दो रूप में पाया जाता है, एक धरातली जल के रूप में, एक भूमिगत जल के रूप में। हम दोनों पर बात करते हैं। पहला है धरातलीय जल,
सरफेस वाटर के रूप में। देखिए धरातली जल के रूप में जो अगर भारत में है वो जल की मात्रा है 690 घन किलोमीटर जल है। अब वो जल चार रूपों में आपका पाया जाता है, कितना है 690 घन किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर जल है। अब ये जल है चार रूपों में पाया जाता है धरातल जल के रूप में, वो कौन कौन सा है, वो चार स्रोत हैं, रिवर, नदियां, झील, लेक्स, उसके बाद तालाब, पॉन्ड और जलकुंड, तो आपके टैंक्स कुंड। ये चार स्रोत हैं जो धरातली जल के रूप में पाए जाते हैं। अब भारत में जो इन नदियों की लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है उनकी कुल संख्या 10,360 है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपका भूमिगत जल के रूप में, जो भूमिगत जल है उसके रूप में बात कर लेते हैं। एक चीज और है, जो धरातली जल है ये भी आपका समान नहीं पाया जाता है, कहीं जल की मात्रा अधिक है कहीं कम है, कहीं नदी घाटी क्षेत्र देखें कहीं नहरें देखें, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा है। दूसरा आप देखेंगे राजस्थान है, जहां आपका धरातली जल स्रोत है वो क्या है आपके कम है। तो दूसरा हम देखते हैं भूमिगत जल, भूम जल या अंडरग्राउंड पार्ट, और इसका जो मात्रा है वो है 432 घन किलोमीटर, लेकिन इसका उपयोग है वो आपका अधिक हुआ है। कारण क्या है, देखिए जो भूमिगत जल है अधिक मात्रा कहाँ है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदी जैसी नदियों में आपका अधिक है। पुनर्पूर्ति योग्य जो जल की मात्रा है वो गंगा नदी में है आपका अधिक है। भूमिगत जल की मात्रा है वो सिंधु नदी में अधिक है। वन मार्क्स में पूछ ले कि पुनः पूर्ति योग्य जल की मात्रा किस नदी में अधिक है, तो गंगा नदी में अधिक है, और भूमिगत जल की मात्रा किस में अधिक है, तो आपकी सिंधु नदी में अधिक है। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो भूमिगत जल की मात्रा है वो आपकी अलग अलग क्षेत्रों में अधिक है, जैसे कि जहां पर आपकी हरित क्रांति का विकास अधिक हुआ, कृषि का विकास अधिक हुआ है, उन राज्यों में भूमिगत जल की मांग है अधिक है, उनका उपभोग अधिक हुआ है, जैसे कि आपका पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, तमिलनाडु राज्य, और वो राज्य जहां पर खनिज संसाधन अधिक है जिसके कारण भूमिगत जल प्रदूषण हुआ है, जहां पर है जल का भूमिगत जल का उपभोग है वो आपका कम कर पाते हैं, यदि करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का आगाज होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, जहां आपका झारखंड है, ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं कि जो जल के स्रोत संबंधी हम बात कर रहे थे कि नदी बेसिनों में, ये सिंधु नदी बेसिन है पूरा ही, सिंधु और उसकी पांच सहायक नदी है, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, आपका ब्यास है, सतलज है, इसको कहते हैं सिंधु बेसिन क्षेत्र, ये गंगा बेसिन क्षेत्र है, ये ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र है, इधर को बात करें तो ये नर्मदा नदी बेसिन क्षेत्र है, ये आपका साबरमती नदी बेसिन क्षेत्र है, ये ताप्ती बेसिन क्षेत्र है, ये आपका हम बात करें गोदावरी नदी बेसिन क्षेत्र, कृष्णा नदी बेसिन क्षेत्र, कावेरी नदी बेसिन क्षेत्र, भरतपूजा नदी बेसिन क्षेत्र, पेरियार नदी बेसिन क्षेत्र। बेसिन नदी बेसिन क्या है कि नदी का अभ्या क्षेत्र, कि नदी किस किस क्षेत्र तक आपका जल पहुंचाती है वो क्या है, उसका बेसिन क्षेत्र है वो आपका कहलाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई जो जल है इनके आसपास है कुछ लैगून है, कुछ स्पष्ट जल है। देखिए लैगून क्या है, तटवर्ती वाले भागों में है, जैसे यहां भीमनाथ झील है, लैगून झील है, कि जब स्थल वाला भाग है यहां, सॉरी सागर वाले भाग से है तरंगे जाती हैं, जब धाराएं जाती हैं तो ये अपना साथ है मलबा को ले जाती है और कहां करती हैं, तट वाले भाग पर, और यहां पर इस तरह का बंद बन जाता है और यहां जल भरा दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, लैगून झील है वो आपका कहा जाता है। दूसरी तरफ है आपका, इधर को हम देखेंगे तो आपका उड़ीसा में चिल्का है, कोल्लेरू है, आपका पुलिकट झील है, वो कैसी है, लैगून झील है। दो तरह के होते हैं, एक स्पष्ट जल और एक होता है आपका लैगून झील।
अब हम जल संबंधित थोड़ी सी समस्या पर हम बात कर लेते हैं कि जल की मांग और पूर्ति पर बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़े सा और बात करते हैं। देखिए, चाहे मनुष्य ने है जल का रासायनिक फॉर्मूला घोषित आपका खोज कर लिया हो कि हम उससे बना सकते हैं, लेकिन अभी भी कृत्रिम रूप से है जो बनाएगा जल, या अर्थात कृत्रिम रूप से बना करके जल है, वो पेयजल की पूर्ति है वो आपकी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज भी हमें पेयजल के लिए नेचुरल प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर हो रहना होगा। आज विश्व में 84.4 करोड़ लोग हैं वो जल की समस्या से जूझ रहे हैं, अर्थात वो खराब पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। हर 2 मिनट में है एक व्यक्ति की मौत है, प्रति 2 मिनट में एक व्यक्ति की मौत है। किसकी वजह से होती है? जल संबंधी बीमारी के कारण होती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बताया, नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया कि जिसमें 332 जिले हैं जहां जल की गंभीर समस्या उत्पन्न है। साथ ही साथ है भारत के 20 ऐसे शहर हैं जहां पर है कि 2020 में है जल संकट गहरा होगा, जिसमें दिल्ली एक है। और अभी जहां जल की समस्या सबसे ज्यादा है वो बेंगलुरु शहर है। और आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है केप टाउन, जहां पर डे जीरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है। डे जीरो का मतलब होता है जब नलों से पानी आना है वो आपका बंद हो जाता है। अब दूसरी चीज आती है कि जल की मांग और उपयोग। देखिए, जल की और मांग और उपयोग के संदर्भ में बात करें, हमने 2 तरह का जल बताया आपका, एक धरातलीय और एक भूमिगत। अगर दोनों में हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उपयोग किस किस में है, जैसे कि कृषि की बात करें, घरेलू उपयोग की बात करें और उद्योग की बात करें, तीन ही क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इधर को भूमिगत जल कि इसमें कितना कितना उपयोग है हम करते हैं। जैसे कृषि में धरातलीय जल का उपयोग है हम 89% करते हैं। भूमिगत जल में का उपयोग जो कृषि के रूप में भूमिगत जल का करते हैं वो 92% करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं घरेलू में, और घरेलू में आपकी इधर भूमिगत जल में 3% करते हैं, 5% उद्योग में करते हैं, इधर अगर देखें धरातलीय जल का कृषि में 89% करते हैं, घरेलू में 9%, उद्योग में 2%, भूमिगत जल की बात करें तो कृषि में 92%, घरेलू में 3%, उद्योग में 5%। अर्थात हमारा मांग और उपभोग किस में अधिक है? हमारा कृषि में है वो आपका अधिक है। अब देखेंगे कि कृषि में मांग अधिक है, क्योंकि कारण क्या है कि कृषि से लोगों के लिए आवश्यकता की पूर्ति होती है, साथ ही साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी आपको प्राप्त होता है। अब दूसरी तरफ अगर देखते हैं हम कि इनके लिए यह तो सारा चीज होती है कि इससे कृषि से बहुत सारा प्रदूषण भी होता है, कि भूमि में हम सारे बहुत सारे रासायनिक खाद बीजों का उपयोग कर रहे हैं, हम कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात जिससे भूमिगत जल है वो क्या हो रहा है आपका, प्रदूषित हो रहा है। और जब प्रदूषित होगा तो उसकी जल का उपभोग है, अर्थात उसका जो प्रदूषण का स्तर है वो अधिक होगा, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है आपका आता है सिंचाई के लिए जल की मांग। सिंचाई के लिए जल की मांग, देखिए डिमांड किसके लिए है? इरिगेशन के लिए। किस तरह से? तो कृषि है अभी भी सामाजिक आर्थिक स्तर का आधार है, जिसके पास भूभाग अधिक है वो उतना ही अधिक संपन्न माना जाता है। साथ ही साथ है
क्योंकि कृषि का उत्पादन करना है, हम व्यावसायिक फसलों पर ध्यान आपका देने लगे हैं। जब व्यावसायिक फसलों पर ध्यान देने लगे हैं तो उनके लिए जल की आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनको जल की आवश्यकता अधिक है, जैसे गन्ना है, चावल है, और जब हम ऐसी फसलों का उत्पादन करेंगे तो हमारी मांग क्या होगी, जल की अधिक है। साथ ही साथ है कि अधिक उपज देने वाली फसलों का भी हम उत्पादन अधिक करते हैं। आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जल है या आपका वहाँ का जो भूभाग है 85% सबसे ज़्यादा कई बार पूछ लेता है वन मार्क्स में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, 85% है कि सबसे ज़्यादा जो सिंचित क्षेत्र है वो कहाँ पर है, कौन कौन से हैं, तो वो आपके ये क्षेत्र हैं। दूसरी तरफ इन राज्यों में भूमिगत जल का उपयोग है, नलकूपों के माध्यम से अधिक हो रही है। जब भूमिगत जल के उपयोग अधिक हो रहा है तो कुछ राज्यों में समस्या उत्पन्न हो गई है, जैसे कि आपका हम बात करें राजस्थान और महाराष्ट्र। राजस्थान और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य में है भूमिगत जल के अवशोषण के अधिक करने के कारण है। जैसे आपका ये जल है, यदि आपने इतना भरा है और इसमें पहले इतना अवसाद था, यदि हमने जल का उपयोग इतना सा कर लिया तो बताइए अवसाद की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। और इसके कारण है राजस्थान और महाराष्ट्र में है भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है, वन मार्क्स में पूछ लिया जाता है। दूसरा और पूछा जाता है कि दो राज्य और हैं जहां पर है भूमिगत जल में है आर्सेनिक अर्थात संकीर्णन की मात्रा है वो आपकी अधिक हुई है, वो है पश्चिम बंगाल व बिहार, वहां आर्सेनिक संख्या वो आपका कहा जाता है उसकी मात्रा है, उसके संकेंद्रण में क्या हुई है, आपकी वृद्धि हुई है संख्या, ठीक है, वही आपका वन मार्क्स के लिए है। उसके बाद आता है आपका संभावित जल समस्या, संभावित जल समस्या। देखिए संभावित जल समस्या के रूप में देखते हैं कि जल की मात्रा सीमित है, हर रोज मांग अधिक हो रही है। जब हर रोज मांग अधिक होगी तो जल की उपलब्धता क्या होती जा रही है, सीमित हो रही है, और उसके कारण है जल के गुणों में और ह्रास हो रहा है। पहला हो रहा है या जल के गुणों में ह्रास, जल के गुणों में ह्रास है। देखिए जल के उपयोग अधिक करेंगे, उपयोग करेंगे जल के ह्रास में क्या मतलब क्या है कि जल की गुणवत्ता में क्या आना, आपका कमी आना, कि वो जल है पीने के योग्य है आपका नहीं रह पाता है। आप देखें बहुत सारी नदियां हैं उद्योग कारण प्रदूषित हो चुकी हैं, भूमिगत जल है प्रदूषण के कारण है वो आपका प्रदूषित हो चुका है, तो ये सब क्या है आपका जल की गुणवत्ता में कमी। नेक्स्ट है कि जल संरक्षण और प्रबंधन, संरक्षण और प्रबंधन। देखिए जल संरक्षण और प्रबंधन, अलम्बनीय जल और बढ़ती जनसंख्या, जब जनसंख्या अधिक हो रही है और जनसंख्या वृद्धि को उसको रोकना होगा। साथ ही साथ है हमें प्रदूषित जल को है आपका जो शुद्ध जल में है मिलने से रोकना होगा। साथ ही साथ उच्च तकनीक का विकास करना होगा, जल का रिसाइकल करना होगा, रीयूज करना होगा, अर्थात जो हमारा उद्योगों से निकला आपका घरों में किचन से निकला हुआ जल है उसको बागवानी के रूप में उपयोग कर लेना, उद्योगों से निकला हुआ जो जल है प्रदूषण है उसको रिसाइकल करने के बाद है उद्योगों में है
जो हम कई बार है मेटल को ठंडा करने के लिए शुद्ध जल का उपयोग करते हैं, उस जल के रूप में उसका उपयोग कर लेना, उससे क्या होगा, हमारा जल की समस्या क्या क्या होगा, समाधान होगा। नेक्स्ट आता है जल प्रदूषण निवारण, जल प्रदूषण निवारण। देखिए जल प्रदूषण क्या है, जल की गुणवत्ता में है कमी आना, जिससे मनुष्य के उपयोग करने से है उस पर अवांछित प्रभाव पड़े, वो क्या है, जल प्रदूषण है। अब उसको जल प्रदूषण का प्रबंधन है कैसे किया जाए, कि उद्योगों में है उद्योगों का अवशिष्ट है वो नहीं मिलने देना, आपका कृषि में है कम खाद बीजों और अर्थात आपका रासायनिक खादों का, साथ ही साथ है कीटनाशक दवाइयों का है उपयोग, वो आपका कम से कम करना, तथा सरकार के द्वारा जो बनाए गए प्रदूषण नियंत्रण के, आपके जो स्थापित किए गए हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के, विभिन्न राज्यों में है राज्य प्रदूषण नियंत्रण की, उनके द्वारा जो नीतियां हैं उनको ठीक से क्रियान्वित किया जाए। एक आपका वनमार्ग में पूछा जाता है कि अधिकांश नदियां हमारी प्रदूषित हैं, कारण है हमारा इसमें देते हैं कि ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी पर आप देख रहे होंगे गाजियाबाद है, आपका दिल्ली है, आपका आगरा है, ये शहर है। अब जो इनसे बहुत सारा अवशिष्ट निकलता है, उद्योग भी हैं, और उद्योग जब होंगे तो बताइए प्रदूषण की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। यमुना नदी दिल्ली और इटावा के बीच सबसे ज्यादा प्रदूषित है, वन मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि यमुना कहाँ सबसे ज्यादा प्रदूषित है, दिल्ली व इटावा के बीच। उसके साथ साथ बहुत सारी नदियां हमारी प्रदूषित हैं, जैसे साबरमती है गुजरात में, आपका लखनऊ में गोमती है, आपका आप हैदराबाद में है मूसी है, तो इस तरह की नदियां हैं वो हमारी प्रदूषित हैं। फिर है जल का पुनः चक्र और उपयोग, जल का पुनः चक्रण व उपयोग, कि जल है जो आपका प्रदूषण हुआ है उसको अवशिष्ट को निकालना, पहले आपका जो मोटे अवशिष्ट है उसको छान कर निकालना, उसके बाद में जैविक उसमें सॉल्यूशन करना अर्थात जैविक कारकों के माध्यम से उसको शुद्ध करना, साथ ही साथ है फिर उसको पुनः रिसाइकलिंग करना जिसका पुनः उपयोग किया जा सके, वो सब क्या है आपका पुनः उपयोग है। नेक्स्ट आता है जल संवर्धन प्रबंधन, प्रबंधन वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट। देखिए जल संवर्धन प्रबंधन क्या है, हमारे दो प्रकार के जल हैं, भूमिगत और धरातलीय, अर्थात जल प्रबंध संवर्धन प्रबंधन से तात्पर्य है कि जल के भूमिगत और धरातलीय जल के दोनों के दक्ष प्रबंधन से है। अब दक्ष प्रबंधन है वो कैसे किया जाएगा, कि जल को एकत्रण करना रोकना, साथ ही साथ है उसमें बहुत सारे जो अवशिष्ट है वो नहीं मिलने देना, बांध बनाए जाना, और जिससे और भूमि का जल में है रिचार्ज की मात्रा को बढ़ाना, वो सब क्या है हमारा जल संवर्धन प्रबंधन है। अब उसके लिए बहुत सारी योजनाएं आपकी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जैसे एक पूछा जाता है हरियाली, हरियाली योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, साथ ही साथ है दूसरी आपकी नीरू मीरू या आपका जल और आप, ये आपकी आंध्र प्रदेश राज्य की राजस्थान में है अलवर जिले में, आपका अरवारी जल संसद संभर प्रबंधन का एक आपकी बुक में दे रखा है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है आपका महाराष्ट्र का एक जिला है अहमदनगर, ये आपका महाराष्ट्र है और यहीं पर एक जिला है अहमदनगर।
और यहाँ का एक गांव है रालीगण सिद्धि। जानते होंगे आप अन्ना हजारे का गांव भी यही है। यहां बताते हैं कि गांव है बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। पानी की समस्या थी, बहुत सारे आपका ये कहें शराब की समस्या थी, यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या थी। यहाँ परिवर्तन कब आता है कि 1975 में एक सेना का आदमी है वो रिटायर होता है और वहाँ आता है, और आने के बाद वहाँ देखता है कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं के लिए लोगों को जागरूक करता है और जागरूक के बाद उनका एक समूह बनाता है और वहाँ पर है जल संभर के लिए छोटी छोटी खुदाई करवाता है तालाब के रूप में, जिससे कि वर्षा का जल का अवशोषण होता है और फिर यहाँ भूमिगत जल है की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। उससे है कृषि संबंधी विकास से आपका होता है, जैसे आप पिक्चर देखते होंगे, मूवी है उसमें आपका बाहुबली में, कि वो जब घर से चला जाता है तो वहां जाकर के है बांध का निर्माण करवाता है, तो इसी तरह से उस सेवानिवृत्त आदमी ने है बांध का निर्माण करवाया और उससे जब आपका जब बारिश हुई तो 7 तालाब उससे भर गए। जब 7 तालाब बढ़े तो उन भरने से है बहुत सारे लोगों को पेयजल की आपूर्ति हुई, सिंचाई के लिए जल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हुई और प्रोडक्शन है उत्पादन क्या हुआ, अधिक हुआ। फिर उन्होंने एक तरुण संघ बनवाया या तरुण मंडल, इसमें सभी युवा वर्ग है, युवा लोगों को शामिल किया और ये आपका कि जो दहेज है वो नहीं लिया जाएगा, शराब पर रोक लगा दी गई, साथ ही साथ जो शराब निकालने का जो काम था उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद देखेंगे तो वहां पर इतना अधिक विकास हुआ कि वो लोग हैं आसपास के गांवों की जमीन भी खरीदने लगे, खुली से आपकी चराई पर रोक लगा दी गई और थान पर चारा देने की आपकी प्रथा है वो आपकी लगा दी गई, ये सभी लोग लाएंगे और इस वाले भाग पर है आपका जो घास है वो इकट्ठा करेंगे और दूसरे लोग जिसको आवश्यकता होगी वो लिया जाएगा। सामूहिक समूह बना दिया गया कि जिसको आवश्यकता है वहां पर आपका पूंजी है एकत्र कर सकते हैं और जिसको आवश्यकता है उसको दे सकते हैं। तो एक रोल मॉडल के रूप में है, जल संभर के रूप में है, एक रालीगण सिद्धि है वो उपजा, जिससे भारत के इतिहास में है एक महत्वपूर्ण स्थान आपका पाया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि वर्षा जल जो संरक्षण है वो सबसे महत्वपूर्ण विधि है, कि वर्षा के जल को रोक करके है उसको विभिन्न उपयोग या आपका उपयोग किया जाए, साथ ही साथ भूमि का जल है वो उससे रिचार्ज किया जाए, जिससे कुएं नलकू तालाब का जल में का पुनर्भरण आपका किया जा सके। साथ ही साथ हमारे जो इस जल संग्रहण के द्वारा है जो प्रदूषण की समस्या होती है, जैसे जल में जो फ्लोराइड है, नाइट्रोजन की है जो आपकी या नाइट्रेट की जो मात्रा अधिक होती है उसको भी कम कर सकता है, जिससे हमारा जो भोजन है भोजन का पोषण स्तर भी है वो क्या हो सकता है, वो आपका बदल सकता है। साथ ही साथ है वर्षा जल संग्रहण की अनेक विधियां होती हैं, जिसमें आपका तालाबों के द्वारा है, आपके टैंक के द्वारा है और आपके जो नाड़ी बावड़ी, बहुत सारे जो उपाय है जिसके द्वारा अर्थात वर्षा के जल को संग्रहण करने की विभिन्न उपायों को ही या विभिन्न प्रकार की तकनीकों को ही हम क्या कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसके उपयोग से हमारा भूमिगत जल के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ है हमारी प्रदूषण संबंधी समस्या को भी कम किया जा सकता है। दूसरी चीज आती है कि भाई वर्षा जल संग्रहण के कौन कौन से उपाय हैं। देखिए उसके अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नाम जानते हैं। आप देखिएगा कि वर्षा जल संग्रहण के लिए जो भूमिगत जल उपचार के लिए है वो ढांचे तैयार हैं आपके किए जाते हैं। उनमें से एक आपका है कि किसी भाग में है आपका, जैसे पहाड़ी वाले भागों में है कुल और गुल है वो आपके तैयार किए जाते हैं। कौन से, कुल वे गुल, कुल्स एंड गुल्स, और ये कहाँ है, अधिकांश आपके हिमाचल प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो कि वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत तकनीक है। दूसरा है आपका टांका,
टांकाज क्या है कि जहां पर है वर्षा जल संग्रहण कर ली है, आपका भूमिगत भाग में है वो स्टोरेज का स्थान बना लिया जाता है। जैसे ये आपका घर है, यहां पर आपका वर्षा जल आया और वर्षा जल आने के बाद है यहां से पाइप के माध्यम से नीचे, और उसके बाद में है यहां नाली के माध्यम से है यहां से, और यहां कोई इस तरह की स्थिति बना देती है जिससे हम क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। देखिए टांका क्या है कि वर्षा जल छत के जल को या घरों के आंगन के जल को है भूमिगत जल में कोई एक बनाए हुए आयतानुमाकार संरचना जिसमें वर्षा के जल को है वो एकत्रित किया जा सके, वो क्या कहलाता है आपका, टांका कहलाता है। और ये खासकर पश्चिम राजस्थान में अधिक है, जैसे बाड़मेर है, जोधपुर है, फलोदी है, उन वाले क्षेत्रों में है। और वहां बताया गया है आपकी बुक में भी कि इसकी लंबाई है 6.1 मीटर होती है और आपका 4.27 मीटर है, गहरा होता है 2.44 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है, ये वहां पर आपको अधिक किया जाता है। आज भी उन क्षेत्रों में थोड़ा सा अब कम हुआ है। कारण क्या है कि वहां इंदिरा गांधी नहर जैसे आई इस पश्चिम राजस्थान वाले भाग में है, इस जल की उपयोग की आवश्यकता है क्या हुई आपकी, कम हुई है। लेकिन अभी भी वहां वर्षा जल का संग्रहण है वो किया जाता है, और जो वर्षा जल संग्रहण को ही एक वहां पर नाम दिया जाता है पालर पानी। पालर पानी क्या है, कुंड में भूमिगत जल अर्थात वर्षा के जल के एक तरण को ही क्या कहते हैं, हम पालर पानी कहा जाता है। दूसरी चीज आती है कि इसमें खड़ी, खड़ी क्या है, वो भी पश्चिम राजस्थान में है। उसमें क्या करते हैं कि आपका वर्षा है, एक तरफ तो इसकी जो ऊंची सी दीवार है 3 से 4 मीटर है वो किसकी बना देते हैं, पत्थर से। एक तरफ दीवार है उसकी, दो तरफ उसकी किससे बनाते हैं, मिट्टी से। जैसे ये है आपका इस तरह से चार स्थान होंगे चारों तरफ से, एक तरफ पत्थर से बना दिया, एक तरफ मिट्टी से, ये मिट्टी से। इससे क्या होगा कि जल का अवशोषण होगा ये वाले भागों में क्या होगा, आपकी आर्द्रता होगी तो इस वाले भाग में कृषि कार्य कर लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। और एक और चीज कर देते हैं, जब यहां पानी का स्टोरेज करते हैं तो यहां पर कुएं भी बना देते हैं, बैर भी बना देते हैं कुएं, जिससे इनमें जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। वर्तमान में इस तरह की जो पद्धति है वो इराक में अपनाई जा रही है। अब दूसरी चीज देखेंगे कि भाई वर्षा जल संग्रहण को है, क्योंकि जल की समस्या है वो गंभीर होती जा रही है, तो वर्षा जल संग्रहण को है कहीं पर अनमारी बनाया हुआ है। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है कि जहां वर्षा जल संग्रहण को कंपलसरी किया हुआ है, भारत का पहला राज्य है जहां वर्षा जल संग्रहण को क्या किया है, कंपलसरी। कारण क्या है कि वहां पर जल की समस्या क्या होती जा रही है, गंभीर। राजस्थान में भी है, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनमें वर्षा जल संग्रहण है वो क्या किया है, अनिवार्य किया है। दूसरी तरफ आप एक और देखेंगे, भारत में या कहां विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है वो मासिनराम है, चेरापूंजी वाला स्थान है, वहां भी वर्षा होती है अधिक। तो शिलोंग में जो किसकी राजधानी है, मेघालय की राजधानी है, ये शिलोंग है आपका 55 किलोमीटर दूर है मासिनराम से।
यहाँ पर भी आपका वर्षा जल संग्रहण है वो क्या कर दिया है, अनिवार्य है। कारण क्या है कि यहाँ भी जल की समस्या उत्पन्न हो गई है। आप देखते होंगे यहाँ तो बहुत अधिक वर्षा जल है फिर भी समस्या क्यों है। आप देख लीजिए उत्तराखंड में नदियों का उद्गम स्थान यही है, लेकिन जल की समस्या यहाँ भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर अभी भी गंभीर है। तो जल की समस्या है पूरे देश में है, वो आपकी दिन प्रतिदिन है, क्योंकि जनसंख्या है बहुत अधिक हो रही है, जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है। साथ ही साथ है जल है वो हमारा उतना ही है, जल के पैटर्न में हमारा वर्षा के पैटर्न में है वो आपका क्या हो रहा है, अर्थात हमारा जो वर्षा के प्रतिरूप में क्या हो रहा है आपका आपका परिवर्तन हो रहा है। इन सभी कारणों से है जल की मांग है वो तो बढ़ रही है, साथ ही साथ है जल में प्रदूषण की मात्रा अधिक हो रही है। आज देखेंगे भारत के बहुत बड़ा भूभाग है जहां पर लोगों को जल पीने के लिए उपलब्ध है आपका नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं एक आपका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, शिलोंग में ही मेघालय में ही दिया है, वो आपका बम्बू जल सिंचाई। देखिए बम्बू जल सिंचाई क्या है, आपका जो बांस के पेड़ के माध्यम से है जल को किलोमीटरों तक ले जाना, और बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से है वो आपका सिंचाई करना। जैसे पेड़ों पर ये पेड़ है और यहाँ बांस के पेड़ को काट करके किलोमीटर तक ले जाते हैं, और ले जा करके पेड़ की जड़ में ही 60 से 80 बूंदें एक बांस में है, 18 से 20 लीटर है वो जल आ जाता है। अब 18 से 20 लीटर जल, अब देखिए कितने सारे पेड़ों को है वो जल दे सकते हैं, और 18 से 20 लीटर अगर हम डालें तो एक पेड़ ही को जल है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाए। और साथ ही साथ क्या होगा, इससे उत्पादन भी क्या होता है वहां पर अधिक होता है। तो ये था हमारा वर्षा जल संरक्षण, अर्थात वर्षा जल संरक्षण है वो कैसे किया जाए। दूसरी तरफ और है आप देखेंगे अधिकांश, क्योंकि जनसंख्या अधिक हुई है तो आवास स्थलों की आवश्यकता क्या हुई, अधिक हुई है, अधिकांश जगह है वो पक्के हुए हैं, तो वहां पर भूमिगत जल के अवशोषण को बढ़ाने के लिए, भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए आपके कुएं हैं, कच्चे कुएं खोदे गए हैं जिसमें जल का अवशोषण नीचे आपका हो सके। ये था आपका जल संरक्षण, आपकी भारत की जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति 2002 आपकी बुक में यही दिए हैं। नेशनल आपकी वाटर पॉलिसी, देखिए जल नीति या कोई भी नीति क्या होती है कि लोगों को जागरूक करने के लिए उनकी प्राथमिकताओं को तय किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, इसके 4-5 उद्देश्य थे, जैसे पेयजल, सिंचाई है, मत्स्य पालन है, अर्थात सबसे पहली प्राथमिकता है वो क्या दी गई, पेयजल, फिर सिंचाई, विद्युत उत्पादन और मत्स्य पालन। इसमें प्राथमिकता दी गई पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, नौकायन के लिए, ये जिससे टूरिस्ट का विकास भी हो, ये प्रमुख उद्देश्य हैं इसमें शामिल किए, और आपका उद्योगों का विकास करने के लिए औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास दूसरी चीज है कि इसमें आपके बड़े पैमाने पर उद्देश्य भी आपके शुरू किए गए कि सिंचाई जो बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजना है उसके माध्यम से है पेयजल की आपूर्ति है वो आपको बढ़ाना, साथ ही साथ उनके माध्यम से है सिंचाई संबंधी भूमिगत जल का अवशोषण है वो कम से कम करना, उसका सर्वेक्षण करना, भूमि की जो गुणवत्ता है धरातली जल और आपका भूमिगत जल है उसकी गुणवत्ता का बार बार टेस्ट करवाना, जांच परीक्षण करना, वो सब किसके हुआ आपका इस जल नीति के तहत हुआ। दूसरी चीज है विभिन्न जो परियोजना है, जैसे पहले मनरेगा कार्यक्रम था, रोजगार से संबंधित था, उसमें भी है आपका जल संरक्षण को है शामिल किया गया कि सभी लोग हैं जल का संरक्षण है वो ठीक ढंग से करें,
पेड़ पौधों का विकास है आपका अधिक से अधिक करें। साथ ही साथ है, जल एक दुर्लभ संसाधन है जिसमें सभी लोगों को जागरूक किया जाए। इस नीति में है, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से है, जल के संरक्षण के बारे में है आपका बताया गया। उसके बाद में है, एक और आता है जल कृषि अभियान, सॉरी जल क्रांति अभियान। क्रांति अभियान इस वाले को आपकी नई बुक में ही जोड़ा है जो 2020-21 की आई है, और ये कब किया गया, ये 2015-16 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है कि भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल की समस्या अधिक गंभीर है, जिनको जल की पूर्ति है वो नहीं हो पाती है, अर्थात इसके माध्यम से है पेयजल, सिंचाई, नौकायन, औद्योगिक विकास के लिए है, जल की सुलभता है लोगों तक बढ़ाना ही क्या है आपका एक जल क्रांति अभियान है। इसमें प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता पर जोर दिया जाता है। सबसे पहला क्या है, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को बढ़ाना है। साथ ही साथ है, जल के विभिन्न स्रोतों का एक चरणबद्ध तरीके से है संरक्षण करना है। जल संरक्षण में आधुनिक तकनीक के साथ साथ परंपरागत तकनीक का भी, अर्थात परंपरागत तकनीक के माध्यम से ही जल का संरक्षण करना, जैसे कि वर्षा जल का आपका वर्षा जल संरक्षण करना, जिसमें चाहे वो टैंक के माध्यम से है, आपका नालों के माध्यम से है, तालाब के माध्यम से है, झील के माध्यम से, इसके चार उद्देश्य रखे गए। सबसे पहला उद्देश्य है जलग्राम, अर्थात देश में 672 जिले हैं, उस जिलों में से जिसमें जल संबंधी समस्या सबसे गंभीर है उस एक का चयन करना और उसकी समस्या का समाधान करना। तो सबसे पहला जो आपका उद्देश्य क्या है कि जलग्राम, और कितने यहां पे जलग्राम बनाए गए, 672 जलग्राम बनाए गए। फिर है कि भारत में कुछ भूभाग जो जल संरक्षण के मॉडल के रूप में अपनाए गए, अर्थात 1000 हेक्टेयर जो जल संरक्षित क्षेत्र हैं, जो रोल मॉडल के रूप में है, जैसे कि जिनका विकास अधिक किया गया है, अर्थात 1000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र विकास, वो कहां कहां है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो कि सभी के लिए रोल मॉडल के रूप में बताना। फिर है जल का संरक्षण करना, जिसमें जल संरक्षण है प्राचीन तरीके से, पर आधुनिक तरीके से है वो आपका करना, जिसे जल का पुनर्भरण है भूमि वाले भाग में आपका अधिक से अधिक हो सके। दूसरी चीज आती है कि इन सारे कामों के साथ साथ लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक, जागरूक किस तरह से करेंगे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से है, किसी शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से है, आपका रेडियो टीवी के माध्यम से है, सोशल मीडिया के माध्यम से है, लोगों को जल संबंधी समस्या के बारे में है वो अवगत कराना, और साथ ही साथ है कि उनको कैसे जल का संरक्षण किया जाए उनको जागरूक करना, हमारा इसका उद्देश्य है, किसका, जल क्रांति अभियान का। और कब शुरू किया गया, ये 2015-16 में भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसमें चार उद्देश्य किए गए, पहला है जलग्राम, दूसरा है जो कमांड क्षेत्र के जो रोल मॉडल हैं उसको सभी के सामने प्रचारित करना, नेक्स्ट था जल का संरक्षण करना जिसमें बहुत सारी तकनीक का उपयोग करना, और फोर्थ है लोगों को जागरूक करना।
ये था हमारा जल संसाधन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।